राजस्थान के अलवर से विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बाद अब सांसद बालकनाथ भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन गए हैं। अलवर से एमपी महेंद्र बालकनाथ अपने तीखे हमलों से प्रदेश सरकार के मुखिया पर हमला बोल रहे हैं। इस कड़ी में उदयपुर में बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के मन में कानून का कोई भय नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सीएम का हाउस फतवा हाउस बनकर रह गया है। यहां सनातन धर्म के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। माताओं को बहनों को निवस्त्र कर दिया जाता है और मैं तो इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि महाराणा प्रताप की भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि जिसकी शौर्य गाथा को पूरा न केवल देश पूरा विश्व गाता है, ऐसे वीर सपूत की भूमि जहाँ वीर जन्म लेते हैं माता की कोख से। और उस दिन का दिन मुझे याद है जब मुझे बड़ी लज्जा आई, मुझे शर्म आई और महाराणा प्रताप को मुझे मैंने याद किया कि क्या हो गया आपके वंशजों को कि आज उदयपुर के अंदर कोई कन्हैया की गर्दन काट के ले जाता है। उदयपुर जिले के फतेहनगर में आयोजित विराट हिंदू संगम में सांसद बालकनाथ गहलोत सरकार पर जमकर गर्जी। उन्होंने कहा कि राजस्थान महिला अपराध में पहले नंबर पर है, जहाँ देखो वहाँ गुंडा राज दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, आप हिंदू भी कह सकते हैं, सनातन संस्कृति का केवल एक ही भाव रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण, पूरी प्रकृति का उत्थान। उसी प्रकार से समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी मानव जाति के लोग, हमारे समाज के जाति पाति के सभी लोग एकजुटता के साथ में, एक रूप के साथ में आगे बढ़ें, एक विचार के साथ में आगे बढ़ें और देश के सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए सबका एकजुटता के साथ में योगदान हो। और उसी के साथ साथ में जिस प्रकार से शांति की स्थापना को, अपने देश की अखंडता और एकता को, जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता में बैठे जो वर्तमान में जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जो केवल सत्ता को ही अपना सुख और असत्ता को ही अपना ध्येय मानते हैं और समय समय पर तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से, धर्म की राजनीति के माध्यम से, जाति की राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का काम करते हैं, तो उन लोगों से भी सतर्क रहकर अपने देश को अखंड और एकजुट किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी प्रकार से विचार रखते हुए देश को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हुए देश में एक शांति और सद्भाव का स्थापना हो, ऐसे भारत का हम सब लोग मिलकर निर्माण करें। विराट हिंदू संगम कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बालकनाथ और सभी संतों का सानवाड़ा चौराहा पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान संतों का काफिला फतेहनगर रोड, रेलवे ब्रिज, फतेहनगर मुख्य बाजार से होते हुए आयोजक स्थल द्वारकाधीश धाम मंदिर भूमि पर पहुंचा। इस बीच मार्ग में जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में समाज और संगठनों से जुड़े हुए कई लोगों ने हिस्सा लिया। इससे पहले हिंदू संगम कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद बालकनाथ का स्वागत किया गया। समारोह में अखाड़ा मंदिर फतेहनगर के शंकर दास महाराज, अनूप दास महाराज, महामंडलेश्वर चेतन दास महाराज, अनुज दास महाराज, राजपुरी महाराज, अस्थल मंदिर उदयपुर के राज बिहारी महाराज, रामद्वार सानवाड़ा के नानक राज और अखाड़ा मंदिर फतेहनगर के शिव शंकर दास महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधायक दली चंद डांगी, नगरपालिका अध्यक्ष मंजू भील के साथ ही गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।